इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। डाइनापर टैबलेट को खाने के साथ लेना चाहिए। यह आपको पेट खराब होने से रोकेगा। आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। अपने डॉक्टर द्वारा सुझाई गई अवधि से अधिक न लें या इसे लंबे समय तक उपयोग न करें। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स में जी मचलना, उल्टी, पेट में दर्द, भूख में कमी, हॉटबर्न और डायरिया शामिल हैं। यदि इनमें से कोई भी दुष्प्रभाव आपको परेशान करता है या समय के साथ दूर नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट को कम करने या रोकने के तरीकों में आपकी मदद कर सकता है। दवा हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको अपने दिल, किडनी, लीवर या पेट में अल्सर की कोई समस्या है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है, अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। डाइनापर टैबलेट के लाभ। दर्द से राहत। डाइनापर टैबलेट दवाओं का एक मिश्रण है जिसका इस्तेमाल दर्द, सूजन और सूजन से थोड़े समय के लिए राहत के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में उन रासायनिक संदेशवाहकों की रिहाई को रोकता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है। यह कमर दर्द, कान का दर्द, गले का दर्द, दांत का दर्द और गठिया के कारण होने वाले दर्द से भी प्रभावी रूप से राहत दिलाता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे बताए गए अनुसार लें। आवश्यकता से अधिक या अधिक समय तक न लें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। सामान्य तौर पर आपको कम से कम संभव समय के लिए सबसे कम खुराक लेनी चाहिए जो काम करती है। इससे आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बेहतर, अधिक सक्रिय, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी। डाइनापर टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। डाइनापर के सामान्य दुष्प्रभाव। जी मचलाना, उल्टी करना, पेट दर्द, अधिजठा दर्द, पेट में जलन, दस्त, भूख में कमी। डाइनापर टैबलेट का उपयोग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं। डाइनापर टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।